हेलो एवरीवन वेलकम वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ द मैथमेटिकोर थ्री जीरो ने स्टार्ट किया था होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है स्टेप डैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट किया था डेट इज पार्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं किया है तो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस लेक्चर आप पहले लास्ट लेक्चर कीजिए सीएफ हमने कैसे कैलकुलेट किया था उसे जरूर रिमाइंड कर लीजिए रिमेंबरेंस में ले आइए सो दैट आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से ग्राफ करेंगे इट right? क्योंकि मैं यहाँ पे सी एफ पे परस नहीं देने वाला हूँ इस लेक्चर में जो बेसिकली बात करने वाला हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें राइट हैंड साइड फंक्शन की दी जाती है तब किस तरह से पी आई कैलकुलेट करना है सीएफ तो आएगा ही आएगा कैलकुलेशन में बट हाउ टू कैलकुलेट दी आई और पी आई में जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था देर आर सो मेनी केसेस सो यहाँ पे हम केस नंबर वन को डिस्कस करेंगे कि जब राइट हैंड साइड इस फॉर्म में अवेलेबल है किस फॉर्म में जो मैं इस लेक्चर में बात करूंगा तो उस केस में पी आई कैसे कैलकुलेट करना है So चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वेन कैलकुलेट द दी आई ऑल्सो ऑलरेडी सी एफ कैलकुलशन हम देख चुके हैं तो मैं डायरेक्टली इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ रूल्स टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल वेन द केस वन वेन योर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो कि हमारा राइट हैंड साइड पे फंक्शन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई राइट right. अब जैसे कि आप यहां पे इक्वेशन क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सॉल्व डेल क्यूब यू ओवर डेल एक्स क्यूब माइनस डेल थ्री डेल क्यूब यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस फोर डेल क्यूब यू ओवर डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू टू पावर एक्स प्लस टू वाई सो फर्स्ट स्टेप वही की वही है कि आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को कैपिटल डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए जिसके लिए हमने माना था कैपिटल डी क्या था हमारा डेल ओवर डेल एक्स एंड डी डैश इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई सो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी दिस इज डी क्यूब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो दिस इज डी स्क्वायर एक वाई को ऑफिशियन है कॉन्स्टेंट प्लस फोर यहाँ पे वाई के थ्री है यानी डी डैश क्यूब इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस टू वाई सो दिस इज द गिवन इक्वेशन इन कैपिटल डी फॉर्म अब इसके बाद हम इसका सी एफ कैलकुलेट करते हैं और सी एफ के लिए क्या पढ़ा था कि दिस लेफ्ट हैंड साइड विल पुट इक्वल टू जीरो तो जब मैं सी एफ कैलकुलेट करूंगा तो सी एफ कैलकुलेशन के लिए दिस टर्म डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डैश क्यूब इज इक्वल टू जीरो

राइट सो सी एफ कैलकुलशन डन अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है किस तरह से हमने कैलकुलेशन करी है तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर पे जाइए उस लेक्चर को स्टडी कीजिए वापस से देन आपको सी एफ कैलकुलशन बिल्कुल क्लियर रहेगा राइट नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमने सी एफ तो कैलकुलेट कर लिया बट कंप्लीट सोल्यूशन क्या था कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे बनेगा यू इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई एंड नाउ बिकॉज मेरा राइट हैंड साइड जीरो नहीं है नाउ दिस इज नॉट जीरो सो हमारा यहाँ पे पी आई कैलकुलेट होगा

राइट right? सो so, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ए टू दी पावर एक्स प्लस टू वाई तो जब इस टाइप से आपको फॉर्म गिवन है तो पी कैसे कैलकुलेट करना है बहुत सिंपल वे है पी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी आई इज कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन जो हमने कन्वर्ट करी थी क्या कन्वर्ट की थी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर इन टू डी डैश प्लस फोर डी डैश क्यूब राइट वी हैव कन्वर्टेड दिस इक्वेशन कैपिटल डी और उसके बाद इन में मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक्स प्लस टू वाई

राइट एंड डी डैश को रिप्लेस करते हैं हम इस बी वैल्यू से सो so सिंपल यहां पे आप लेटिंग पोर्शन ये दिखाएं या ना दिखाएं इससे मैटर नहीं करता बट नेक्स्ट लाइन आपको यहीं से याद हो जाएगी कि बेसिकली मुझे नेक्स्ट लाइन में क्या करना है एक्स का जो कोफिशियंट है डेट इज रिप्लेस बाय डी क्यूब यानी कैपिटल डी की जगह मैं इस कैपिटल का यानी कि प्लेस कर रहा हूं तो ये हो गया क्यूब फिर ये हो थ्री इंटू वन स्क्वायर देन क्या होगा जो y है डेट इज टू दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डैश तो ये हो गया आपका टू प्लस फोर इंटू टू क्यूब राइट तो बहुत सिंपल सा स्टेप कि x का जो कंपोनेंट है वो d की जगह आ गया और जो y का कंपोनेंट है वो d डैश की जगह आ गया नाउ डॉट डॉट के बाद अब ये जो फैक्टर था ये हमने माना था टी तो हम तो इसे लिखेंगे टी की जगह यू भी मान सकते हैं तो यू कैन राइट इट इ टू तो दावर यू अब ई टू दावर यू को इस इक्वेशन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे जो आपने वैल्यू पुट करी है तो फाइनल ऑर्डर यहां पे क्या था दैट इज पावर थ्री यानी ऑर्डर थ्री है राइट सो इस ऑर्डर थ्री का मतलब हो गया दिस इज डेल क्यूब बाई डेलेक्स क्यूब ना तो ऑर्डर थ्री है तो ऑर्डर थ्री का मतलब है कि मैं इसे थ्री टाइम इंटीग्रेट करूंगा इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू यू बिकॉज मैंने यहां पे यू लेट कर लिया तो इट इज द पावर यू डी यू डी यू डी यू थ्री टाइम इंटीग्रेशन अगर वही इक्वेशन फोर टाइम्स होती या टाइम्स होती तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर हम यहां पे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं राइट सो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन के लिए गिवन इक्वेशन डिवाइड में फंक्शन अब ये एक्स प्लस बीवाई की टर्म है तो डी की जगह ए एंड बी डी डॉ की जगह बी को रिप्लेस किया एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है नाउ द आंसर इज इन थर्ड लाइन तो थर्ड लाइन क्या सॉल्व कराएगी आपको वन अपॉन इस फंक्शन को सॉल्व कर लीजिए दिस इज वन माइनस सिक्स प्लस दिस uh, 32 32 33, 33 e e इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट तो तो मुझे क्या मिलेगा ई e की पावर यू फिर से इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू तो यू फिर से ई की पावर यू मिलेगा और फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो फिर से ई पावर यू मिलेगा यानी ई की पावर यू को आप थ्री टाइम्स इंटीग्रेट कर लीजिए आपको रिजल्ट ई टू द यू ही मिलने वाला है यानी फाइनल रिजल्ट क्या हो गया इवर एक्स प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सेवन यू की जगह वापस से आपने जो लेट किया था उस वैल्यू को यहां पे प्लेस कर दिया

दिस पी आई कैलकुलशन जो हमने यहाँ पे करी है दिस इज अवर कंप्लीट सोल्यूशन राइट सो बहुत सिंपल सा वे है पी आई कैलकुलेट करने के लिए भी हमने केवल एक प्रॉब्लम देखी है अभी आप जल्दी से देखो अनदर प्रॉब्लम आपको बहुत इजिली सॉल्व होने वाला है राइट सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन सेम वे आप एक मिनट के लिए यहां पर इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दी एफ वैल्यू बिकॉज सी एफ जैसे कि बोला था हर क्वेश्चन में कैल्कुलेट होगा ही होगा

नहीं किया समझ में आ चुका होगा इतना मैं मान के चलता हूं कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर और अभी तक आप कंटिन्यू बने हुए हैं तो आप सी बहुत इजिली कैलकुलेट करेंगे बट यहाँ पे सी कैलकुलेट करने वाले 99% होते हैं बट पी कैलकुलेट करने वाले बहुत कम हो जाते हैं अगर मैं बात करूं तो लेस देन 40% या माइट पॉसिबल 30% परसेंट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पी आई सोल्व करते हैं क्यों क्योंकि इतने सारे केसेस बन जाते हैं कि आप खुद में कंफ्यूज होते हैं आप बाद में सोचते हैं छोड़ देते हैं लेकिन यहाँ

राइट नाउ दिस इज़ द फ़ंक्शन ऑफ़ प्लस बी वाई राइट करूंगा लेट यू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई यानी कि सिंपली एक्स प्लस वाई सो एक ओफिशियंट किसकी वैल्यू हुई ए वन यानी और बी कितना हुआ बी बी वन हुआ तो यानी नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा था डी इज रिप्लेस बाय दिस एक ओफिशियंट यानी कि वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन इंटू वन प्लस टू इंटू वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई को क्या माना है यू और अब यू को कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे यू को इंटीग्रेट करेंगे टू टाइम्स बिकॉज नाउ द ऑर्डर इज डी स्क्वायर यानी कि ऑर्डर टू है सो यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी यू एंड डी यू राइट right? तो पहले स्टेप में केवल इक्वेशन लिखनी है सेकेंड स्टेप में ए और बी को रिप्लेस करना है और थर्ड स्टेप में हम यहां पे आंसर लिख लेते हैं अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वन प्लस थ्री प्लस टू यानी हो गया सिक्स और यू को जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू तो पहला इंटीग्रेशन क्या देगा पहला इंटीग्रेशन देगा यू स्क्वायर बाई टू और यू स्क्ट टू को फर्दर में इंटीग्रेट करूंगा तो वन बाई टू इज अन्स्टेंट टर्म आपको यू स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो यू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यू क्यूब बाय थ्री तो वन बाय टू इंटू यू क्यूब बाय थ्री अल्टीमेटली बिकम्स यू क्यूब बाय सिक्स राइटली वीआई

अनदर क्वेश्चन देखते हैं सो so देट आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और जल्दी से इसका सीएफ कैलकुलेट करके देखिए कि सीएफ क्या आता है सो आई होप आपने सी एफ कैलकुलेट कर लिया होगा फॉर दैट कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इन टू कैपिटल डी फॉर्म तो दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर दिस इज माइनस टू डी डी डैश एंड दिस इज प्लस डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम नाउ फॉर सी एफ सी एफ के लिए हम राइट हैंड साइड को जीरो मानते हैं उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से आपकी एम के वाली और एन ऑफ वन सेम वैल्यू तो हमारा सी एफ हो जाएगा एफ वन वाई प्लस एक्स प्लस एक्स इन टू एफ टू वाई प्लस एक्स दिस इज अवर सी एफ पोर्शन एंड नाउ व पर्टिकुलर इंटीग्रल सो आई होप कुछ लोगों ने अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल भी इसका कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया होगा सो पी आई बेसिकली क्या होगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस ये हो जाएगा हमारा डी डैश स्क्वायर इन टू साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई ज अगेन इन द सेम फॉर्म ए एक्स प्लस बीवाई कैटेगरी जगह रखते हैं डी की जगह तो यहाँ पे टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू देन डी डैश की जगह है थ्री प्लस डी डैश स्क्वायर थ्री स्क्वायर और इस साइन के आगे जो वैल्यू है बेसिकली हम किसको यू लेट करते हैं हम यू लेट करते हैं ए एक्स प्लस बीवाई टर्म को राइट right? तो ये बनेगा साइन ऑफ यू और यहां पे order क्या है? Order है two, तो आप इसे du du, तो सॉल्व कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन आएगा फोर फोर माइनस दिस इज ट्वेल्व प्लस नाइन तो ये हो गया वन बाय वन और साइन को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है कॉस राइट साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और जब मैं माइनस कॉस को इंटीग्रेट करूंगा सो अल्टीमेटली वी गेट माइनस इज ए कॉन्स्टेंट कॉस का इंटीग्रेशन साइन यू तो अल्टीमेटली हमारा पी आई क्या हो गया माइनस ऑफ साइन एंड वट इज यू दैट इज टू एक्स प्लस थ्री वाई राइट सो व्हाट इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन सीएफ हमने पहले कैलकुलेट किया था इसी सीएफ में अगर हम प्लस कर देंगे यहाँ पे है माइनस साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई तो ये हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई दिस बिकम द कंप्लीट सॉल्यूशन जब आप सीएफ के साथ इस पीआई को ऐड करके लिख देंगे और इस केस में बन जाएगा जेड इज राइट सिमिलरली आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन रख रहा हूं सो so दैट आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको अदर कहीं से कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑन दिस बेसिकली टॉपिक टॉपिक तो नहीं बोलूंगा बट कॉन्सेप्ट बोलूंगा उसके बाद मैं क्वेश्चन की कैटेगरी को चेंज करूंगा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर बट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर सो सॉल्व आर प्लस एस माइनस टू टी इज इक्वल टू अंड ऑफ टू एक्स प्लस वाय

Whole power 1 2, plus term है. So, हमारी क्या बनी थी इक्वेशन बनी वन अपॉन डी स्क्वायर राइट मैं कैसे लिखूंगा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस ट्वाइस ऑफ डी डैश स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस वाई होल पावर वन बाई टू राइट सो दिस पी आई नाउ अगेन सेम टू बी की वैल्यू है, 2, B की है 1, तो टू स्क्न होल स्क्वायर और ये हमने माना यू और यू की पावर वन बाई टू और इंटीग्रेट कितने टाइम्स होगा इंटीग्रेट टू टाइम्स होगा बिकॉज दिस इज डी स्क्वायर तो यहाँ पे डबल टाइम इंटीग्रेशन डी यू एंड डी यूर यू हमने क्या माना है यू हमने लेट किया टू एक्स प्लस वाई राइट right? अब u की पावर 1/2 है आप इसे सिंगल टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो जब सिंगल टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 1 डिवाइडेड बाय 1/2 1 राइट right? ये होता है बेसिक इंटीग्रेशन तो ये हो गया u की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और फिर से आप इसे इंटीग्रेट करेंगे u के रेस्पेक्ट में तो 3/2 से कांस्टेंट टर्म ये 2/3 1 के बाहर आ जाएगा और ये वापस इंटीग्रेट हो जाएगा तो u की पावर हो जाएगी 5/2 3/2 1 डिवाइडेड बाय 5/2 सो अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगी 4/

करेक्ट कर लीजिएगा सो दिस इज फोर प्लस टू माइनस टू तो डेट बिकम बेसिकली वन बाय फोर तो फोर से आपका फोर अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा एंड व्हाट इज द फाइनल पी आई आई जो मिलेगा वो मिलेगा यू टू द पावर फाइव बाई टू बाय बाई यानी अल्टीमेटली यू कितना है टू एक्स प्लस वाई टू द पावर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई फिफ्टीन राइट सो विथ कैलकुलेशन ऑफ पी आई हम यहां पे सीएफ के साथ अगर इस वैल्यू का एड ऑन कर दें कि ये हो गया टू एक्स प्लस वाई टू दी पावर फाइव बाई टू डिड बाई फिफ्टीन दिस बिकम माई कंप्लीट सोल्यूशन ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई राइट सो आई होप कि आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन आपको होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अब चाहे आपको केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करना हो या आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी गिवन है बट अभी हमने केवल केस वन की बात करी है और इस केस वन में भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कुछ डिफरेंट केसेस uh, बनते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक चैन है कि आप किस तरह से सभी केसेस को वन बाय वन समझ पाते हैं तो उसी चीज के लिए बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में थैंक यू